उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मजे में होंगे तो आज का व्लॉग नो और दस मुहर्रम का है और यहाँ पे मोर शरबत आना शुरू हो गए सबसे पहले मेरी फ्रेंड के घर से आए थे मोर शरबत और दूसरा यहाँ पड़ोस में जो भाभी वाले रहते हैं उन्होंने भेजा है मोर शरबत और ये मेरे घर वालों ने मोर शरबत भेजे हैं तो बस इस दिन पे जो है नो मुहर्रम पे ज्यादातर मोर शरबत ही लोग भेजते हैं यहाँ पे मेरी फ्रेंड है उनके घर से भी मोर शरबत आए और जो है मैंने भी सबको यही मोर शरबत बांटे थे उसके अलावा जी मैंने जब भेजे तो उन्होंने रिटर्न में मुझे आ, केक भी भेजा जो उन्होंने बनाया था और यहाँ पे अगेन प्रोसेस से आया है मोर शरबत इसके अलावा यहाँ पे भाभी अफशा है उन्होंने मोर शरबत बना के भेजे हैं तो बस मैंने भी सबको रिटर्न में मोर शरबत ही भेजे थे क्योंकि आज नौ मुहर्रम है और नौ मुहर्रम को हर कोई यही न्याज करता है बाकी और हमको हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ बिरयानी वगैरह बनाते हैं कुछ धालीम बनाते हैं तो यहाँ पे पड़ोसी आई है मैं शबनम के तरफ से चिकन बिरयानी और यहाँ मेरी फ्रेंड ने भी बिरयानी भेजी है अगेन यहाँ मेरी दूसरी फ्रेंड है उन्होंने भी बिरयानी भेजी है तो बस जजाक अल्लाह न्याज नज़र करना चाहिए और यहाँ पे मेरी दूसरी फ्रेंड है सबा उन्होंने भी जो है वो बहुत ही अच्छी टेस्टी पुलाव भेजी थी तो बस ये जजाक अल्लाह न्याज के लिए और ये एक ट्रे मुझे अम्मी ने दिया था एज अ गिफ्ट अनीस 99 से लिया था या कबाब का समोसे रख सकते हैं। या 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 बहुत ही अच्छे से इसको ग्रिल करूंगी सबसे पहले यहाँ पे मैंने ए, दो रखी थी ब्रेड उसके बाद मैंने चार, चारों ही रख दी थी चारों ब्रेड्स को अच्छे से ग्रिल कर लिया ग्रिल से ये अच्छा लुक आएगा अब आप जो है देख लीजिएगा दोनों साइड से जो है वो ग्रिल हो चुकी हैं मतलब के चारों ब्रेड्स को मैंने ग्रिल कर दिया अंदर की साइड से मैं थोड़ी सी केचप वगैरह डाल रही हूँ मतलब अगर आपके पास कुछ भी स्टफिंग अवेलेबल है कोई और कुछ भी सॉसेस वगैरह हैं मायनीज वगैरह गार्लिक मायो या चिली सॉस चिली सॉस वगैरह तो वो आप डाल सकते हैं मेरे पास थोड़ी थोड़ी केचप अवेलेबल थी थोड़ा कबाब मैंने फ्राई किए बस केचप लगा के कबाब थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके और मैंने थोड़ा सा चिली सॉस भी ऐड किया क्योंकि केचअप का मीठा टेस्ट होता है और स्पाइसी के लिए मैंने थोड़ा सा चिली सॉस ऐड किया उसके अलावा कुकम्बर्स ऐड किए तो बस मज़ेदार सा एक सैंडविच बन गया बहुत हेल्दी होता है और टमी फुल हो जाता है ये खाने से तो बस आ, आप लोग भी अगर मेहमान आए या कुछ भी तो ये लेस ऑयल में चीजें बन जाती हैं बहुत ही अच्छे से तो ये ये जरूर ट्राई कीजिएगा अभी तो बकर गुजरी है तो हर किसी के घर में इस तरह शामी कबाब बने हुए होंगे हर चीज ऐसे रेडी रेडी बनी होगी जैसे मैं भी बना के रखती हूँ काफी लोग ऐसे बना के रखते होंगे तो बस ब्रेड मंगा के आपने जस्ट फटाफट सैंडविच बना देना हैं खाने में बड़ा मजेदार से होता है तो ये ट्रे जब मेरे पास आया था मैंने सोचा जल्दी से मैं जो है ना सैंडविचेस बनाऊंगी इस पे रखूंगी और आप लोग देखेंगे आगे बहुत ज्यादा एक अच्छा प्रेजेंटेबल लुक आ रहा है मतलब काफी आ, मतलब लुक इतना अच्छा आ रहा था कि खाने में मजा आ रहा था और सर्व करने में भी अच्छा लगा लोगों ने कुछ लोगों ने तो पूछा भी भाई ये किस रेस्टोरेंट का है मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी लेकिन बहुत एक रेस्टोरेंट वाला फील आ रहा था सो ज्यादा कुछ इसमें मैंने ऐड नहीं किया आप कर सकते हैं मैं इसमें अंडा भी शामिल कर सकती थी लेकिन मैंने बिल्कुल इसको सादा रखा जस्ट ऐसे ही रात में हस्बैंड की ड्यूटी होती है तो वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ मैं बना के उनको देती हूँ चाय के साथ ना तो बारह बजे के बाद वैसे ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए तो मैंने बस सैंडविचेस बना दिए और चाय बना दी तो लीजिए यहाँ पे सारे सैंडविचेस रेडी है आप चाय तो सारी सैंडविचेस सैंडविच मेकर में बनाया मैंने जस्ट ग्रिल किया था तभी ये जो है वो स्टिक नहीं हुए आपस में इसलिए जो है ये सैंडविचेस इस तरह खुले खुले लग रहे हैं मैंने बस इस तरह किया और इससे अच्छा लुका रहा था तो लीजिए अब यहाँ पे सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं तो हो गया है नेक्स्ट डे और आज मैंने अरोमा इमरान से मंगवाए थे और समोसा पापड़ी और बर्गर्स तो अंडे वाला बर्गर भी मंगवाया था साथ में सादा बर्गर सब जो है चीजें बहुत ज्यादा डिलेशियस थी खैर उसके बाद मैंने रात में पुलाव बनाया और नेक्स्ट डे हो गया हमी वालों के घर आ चुके हैं तो शाम की चाय के साथ जो है क्रैकर्स वगैरह बनाया उसके बाद फिर हमें जाना था यहाँ निसार होटल तो कैफे निसार आए हुए हैं काफी टाइम बाद यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ की कढ़ाई बहुत ही अच्छी थी और हो गया है नेक्स्ट डे आज हम सिस्टर लाके घर आए हैं और उन्होंने जो है वो डिनर कर दिया अरेंज बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल बिरयानी बनाई थी यहाँ पे संडे था तो हस्बैंड लेके आए थे सौगाते शरीन से नाश्ता हलवा पूरी चनों का सालन भुजिया आलू भुजिया तो बहुत मजे का था जी आज की थी ये वीडियो उम्मीद आपको पसंद आयोगी है मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल